class English. Today I am going to teach you about the poem Wind. You are appealed to concentrate your mind over this stanza. He would not do what you tell him. So come, let us build strong homes. Let us join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. बच्चों, he would not do what you tell him. कवि कहता है कि he means तेज हवा का देवता, would not do नहीं करेगा, what you tell him जो तुम उससे करने के लिए कहोगे, अर्थात तेज हवा का देवता वो सारे कार्य नहीं करेगा जो तुम उससे करने को कहोगे. सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रांग होम्स. इसलिए आइए, लेट अस बिल्ड स्ट्रांग होम्स. स्ट्रांग मीन्स होता है शक्तिशाली. हम लोगों को अपने घरों को शक्तिशाली बनाना चाहिए. इसलिए आइए और हम अपने घरों को मजबूत बनाएं. लेट अस ज्वाइन द डोर्स फर्मली. आइए हम सभी अपने दरवाजे ठीक ढंग से या ठीक तरह से बंद करें. प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी. अपने शरीर को बलवान बनाएं. मेक द हार्ट स्टेडफास्ट. और अपने हृदय को जो है सुगठित बनाएं, अर्थात अपने हृदय को दृढ़ता प्रदान करें. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. यह सब हमें करना चाहिए, तब हवा का देवता तुम्हारा दोस्त बन जाएगा. डू दिस, ये कार्य हम सबको करना चाहिए. एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. और इस प्रकार से हवा जो है हमारी मित्र बन जाएगी, अर्थात वो मित्र के रूप में दिखाई देगा. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. हवा का देवता कमज़ोर आग को बुझा देता है. ब्लोज आउट मीन्स बुझा देना. ही मेक्स स्ट्रांग फायर्स रोर एंड फ्लरिश. और तेज अग्नि को ही मेक्स, वह बनाता है और अधिक गर्जना युक्त बना देता है. एंड फ्लरिश, और वो उसे फलता फूलता कर देता है. हिज फ्रेंडशिप इज गुड. उसकी दोस्ती या यारी सच्ची होती है. वी प्रेज हिम एवरी डे. हम उसकी प्रशंसा प्रतिदिन किया करते हैं. प्यारे बच्चों, कवि का संकेत है कि हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो है दृढ़ होना चाहिए. हमारा हृदय विशाल हो और वो भी हृदय जो है दृढ़ बना रहे. यही संदेश कवि का है. इस प्रकार से आज ये आपकी वीडियो टीचिंग यहीं पर समाप्त होती है. शेष मिलने पर, तब तक के लिए धन्यवाद.